नमस्कार, मैं मीनाक्षी यादव। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। पाव भाजी मुंबई की एक फेमस रेसिपी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और अगर वही रेसिपी हम घर पे बनाएं तो बात ही कुछ और है। तो आज हम बनाएंगे पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियां ली हैं। एक मुट्ठी मटर, ये हाफ शिमला मिर्च, थोड़ी सी फूल गोभी और 3 आलू। और डालूंगी मैं कुछ मसाले, नमक, हल्दी, सूखा धनिया और पाव भाजी मसाला। और लूंगी मैं ये हाफ नींबू का रस। सबसे पहले बॉईल करेंगे हम ये सब्जियां। ऐड कर देंगे पानी। और 1/4 चम्मच और कुकर को बंद कर देते हैं और 4 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। कढ़ाई में डाल देते हैं घी 3 चम्मच। गरम होने देते हैं इसको। घी गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। और अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे टमाटर प्यूरी। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, 1/4 चम्मच नमक, क्योंकि पहले भी नमक डाल चुके हम सब्जी में। आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा सूखा धनिया। और आधी चम्मच पाव भाजी मसाला। अब इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, जब तक इसका घी ऊपर आ जाता है।
5 मिनट हो चुके हैं। अब हम मसाले को एक बार देख लेते हैं। मसाला पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये मैश्ड सब्जियां। और ये सब्जी का पानी जो हमने बॉईल की थी सब्जियां, वही पानी डाला है। अगर और जरूरत पड़ेगी तो हम और डाल देंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 गिलास पानी। ये गरम पानी था। और अब इसको ढक देते हैं। 3-4 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। और एक बार फिर से ढक देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, हम सब्जी को एक बार फिर से चेक करेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया और ये नींबू का रस भी, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। भाजी मेरी बनकर तैयार है। अब हम पाव और सेक लेते हैं। पाव भी सीख चुके हैं और भाजी भी तैयार है। अब हम प्लेट में सर्व कर देते हैं। तैयार है मेरी पाव भाजी बनकर। तो देखा आपने पाव भाजी बनाना कितना आसान है। तो अब मेरे चैनल को कीजिए आप सब्सक्राइब, और मेरे वीडियोस को अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।